मदरसा साबिरा के एक साल पूरे होने पर मैनेजमेंट ने एनुअल डे रखा था सपना फंक्शन हॉल में। मदरसे की शुरुआत की है अमान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने। ये मदरसा सिर्फ औरतों और लड़कियों के लिए है, जहां पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में औरतों और लड़कियों को आलिम और हाफिज बनाया जाता है और साथ ही दुनियाई तालीम भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9845888563। अस्कर के खवातीन के लिए इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 8884008385, या फिर आप मदरसा विजिट कर सकते हैं राहत कॉलोनी नियर सपना बेकरी, अमान नगर, हागरगा रोड, गुलबर्गा। सूरतुल नूर आयत नंबर 26 में फरमाया, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए है और खबीस मर्दें खबीस औरतों के लिए है, पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए है और पाकीजा औरतें पाकीजा मर्द के लिए है। खुदा के गुनाहगार बंदों की खातिर। Let me say some of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manners and his characteristics. Number one, doing things for the sake of Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would always do deeds through which he would seek the pleasure of Allah subhanahu wa taala. ये कैसे हो सकता है कि सुख से ताल्लुक रखना जरूरी है? हाँ, ऐसा ही है। इस जिंदगी में कोई मुझसे लातालुक नहीं रह सकता, मैं जिंदगी की जरूरत हूँ, ये फितरत का कानून है। दरअसल मुझसे ताल्लुक होना कोई गलती नहीं है, गलती ये है कि मुझको आखिरत पर तरजीह दे दी जाए, यही वो गलती है। अमन व सलामती का पैगाम देता है, जो सही और गलत के दरमियान फर्क को समझाता है, जो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इंफरादी व इज्तिमाई तौर पर ऐसे हुकूम मुहैया करता है जो दूसरा कोई मजहब इसको पेश नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अरे अब क्या हुआ वली साहब? उसको कैसे मालूम होगा कि आपका औलाद कब होगी? उनको मालूम होगा वली साहब, क्योंकि वो बहुत बड़ी दीन है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वैध कल किसके पास है? हाँ भाई, वैध कल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अभी कुछ और नक्शा नकूस मेरे पास मौजूद है, जिन्हें दुनिया मुजाहिदीन इस्लाम और शेख वारन इस्लाम का नाम देती है। ये उम्मत के वो फर्जंद हैं जिन्होंने अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की कामयाब कोशिश की और सर बुलंदी दीन के लिए अपनी तमाम तर जिंदगी को वक्फ कर दिया। आज के इजलास की रूह है मोहतरमुल महान आली जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब हफीजहुल्लाह। कहा जाता है कि दरख्त जितना फलदार हो वो उतना ही झुका हुआ होता है। तराश कर पत्थरों को हमें ढीला बनाना होगा। मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, जो कि सदर मदरसा मदरसा साबिरा निर्बला के सदर हैं, और सेक्रेटरी मदरसा जनाब समीर उल्लाह खान साहब, और नाज़िम मदरसा जनाब अब्दुल मन्नान खान साहब का हकीकत में आप लोग ही मदरसे की बैकबोन हैं। मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी कामयाबी के साथ मदरसे साबिरा लिल बनात का एक साल मुकम्मल हो चुका, जिसको हमारे कौम के मुहसिन हमदर्द कौम मिल्लत के नौजवान लड़कियों की इस्लाह की फ़िक्र करने वाले मोहतरम अमानुल्लाह खान साहब चेयरमैन सपना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हागरगा के इलाके में इस शहर की बेराह रवि बेदीनी और इस फाशिज्म के माहौल के अंदर इन्होंने इस मदरसे का इनेकाद किया, इस मदरसे को कायम किया और एक साल अल्हम्दुलिल्लाह इनके अपने अहले खाना ने इसको बड़ी खूबी खैर खूबी के साथ चलाया। ये मदरसा सिर्फ एक मदरसा ही नहीं है, बल्कि उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां घरों में SLC या POC करके बैठी हुई हैं,
वो कुरान और सुन्नत की तालीम को यहाँ पर हासिल कर सकती है, क्योंकि एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम के बराबर है। कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता करना ये बहुत बड़ा इकदाम है, जिसको सपना ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मोहतरम अमानुल्लाह खान साहब ने बीड़ा उठाया है। अल्लाह करे ये इदारा तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। आप तक ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं कि वो बच्चियाँ जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में हैं, रोज़ाना सुबह आकर के शाम तक पढ़ के जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इदारा इस्तकबाल के तैयार हैं। वो बच्चियाँ जो गुलबर्गा के अतराफ अकनाफ में रहती हैं, हॉस्टल के साथ माशाल्लाह बेहतरीन सहूलियात, माशाल्लाह जो निसाब बनाया गया है वो कई उलमा की मौजूदगी में किताब सुन्नत की रोशनी में बच्चियों को एक अच्छा मियारी तालीम। एक ही ये है कि ये बच्चियाँ अपने इस्लाम पर कायम रहें, इस्लाम के तर्जुमान बने, बेहतरीन माँ बने, ये अपने आने वाली नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सके, ताकि दुनिया भी उनकी जन्नत नुमा बन सके और आखिरत में भी ये जन्नत के मुस्तहिक बन सके। गुलबर्ग के जितने भी जो मेरे इस्लामी माँ और बहनें हैं, मदारिस एक इस्लामी किले हैं, हम उसके ऊपर तवज्जो दें और जहाँ तक भी हमारे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन के तरफ तवज्जो दें। आज के जो हालात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कम से कम कॉलेजेस के अंदर जो भी चल रहा है, अगर अल्लाह का डर और खौफ लड़की के दिल में आ गया, हज़ारों के बीच में अगर बची गई तो इंशाल्लाह उसकी निगाह नीचे रहेंगी। और ये आप पे फ़र्ज़ है, हम पे ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। जब बच्ची या लड़का लड़की जब परवरिश करेंगे, जैसी हम उनको तरबियत बनेंगे वैसे ही निकलने वाले, क्यों मालूम आने वाले हालात पता नहीं कैसे हैं। आज हमारे लड़के दीन से दूर है, माँ बाप से उल्टा सवाल करते हैं, जवाब आप देते हैं। आप आपके घर में एक बच्ची तो कम से कम दीनदार बनाएं, इंशाल्लाह आपका घर पूरा दीन का खिला रहेगा, दीन का मदारिस रहेगा। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आप इसके ऊपर तवज्जो करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मदरसे में दाखिला लेने की कोशिश करें। आपकी खिदमत में इंशाल्लाह मोहम्मद अमानुल्लाह खान सपना ग्रुप ऑफ कंपनी हाजिर है। ज़माने से भाई आपकी खिदमत में लगे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हमारे अमल को कबूल करे। شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب